वेलकम टू क्रिप्टोनी वन। आज आपके सामने एक पोलका डॉट का इकोसिस्टम लेके आया हूँ। उसका नाम है दार्विनिया। दार्विनिया बेसिकली ब्रिज बनाता है किसके अंदर, एक तो इथेरियम और पोलका डॉट के बीच में जो ब्रिजिंग करता है, उसके बाद उसी ब्रिज के ऊपर उसके साथ एक एप्लीकेशन और बिल्डअप किया है इन्होंने, जिसके ऊपर स्टेकिंग की जाती है। आइए दिखाते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन है स्टेकिंग के लिए और कौन सी एप्लीकेशन ये यूज करते हैं, ये जो इन्होंने जो एप्लीकेशन बनाई है वो क्या काम करती है बेसिकली। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि जो एप्लीकेशन जो इन्होंने बिल्ड की है वो पोलका डॉट और इथेरियम के बीच में जो रास्ता बनाता है, जिसकी वजह से इथेरियम का टोकन है वो इसके ऊपर आता है, पोलका डॉट के ऊपर आता है, और वहां पे एक एप्लीकेशन है जिसके वजह से वो स्टेकिंग की जाती है। ठीक है, तो फिलहाल मैं बताता हूँ बेसिकली इसके कुछ वर्क है। यूज दार्विनिया पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले इनके दो टोकन है, दो टाइप के टोकन है, जिसका एक टोकन का नाम है रिंग और दूसरे का नाम है केटोन। तो केटोन की वैल्यू है जो इकोसिस्टम जो है वो कम सप्लाई का है, लेकिन टाइम टू टाइम जैसे जैसे इसका इकोसिस्टम बढ़ता है तो इसकी सप्लाई ज्यादा होती चली जाएगी। ठीक है, फिलहाल इसकी 1 लाख भी टोकन की नहीं है, मतलब कि 100K भी नहीं है, 91,000 के आसपास इसकी टोकन की टोटल सप्लाई है। और इसकी जो केटोन है ऑल टाइम हाई है, 400 समथिंग गया है ऑलरेडी। और जो रिंग है, रिंग की सप्लाई काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है अभी 1 सेंट पे है, स्टेन कर रहा है, उसके बाद ये पता नहीं कितना जाएगा, बट इससे पहले ये जो ऑल टाइम हाई गया था वो 30 सेंट गया था, मतलब 30 गुना नीचे है ये। तो आई थिंक दिस इज द गुड टाइम टू एंटर इन दिस एप्लीकेशन, इन दिस टोकन। और एक तो ये टोकन की इकोसिस्टम बताया गया है कि इसमें इकोसिस्टम क्या है, केटोन को स्टेक करते हो तो रिंग मिलेगा, रिंग को स्टेक करते हो तो केटोन भी मिलेगा और रिंग भी मिलेगा। तो बेसिकली रिंग जो इकोसिस्टम का जो मेन टोकन बोलते हैं, लेकिन केटोन अगर आप स्टेक करते हो, केटोन की थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है, केटोन स्टेक करते हो तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको रिंग मिल सकता है। ठीक है, तो बेसिकली वो दिखाऊंगा मैं अभी आपको। ठीक है, अभी वॉर्म होल जो इनका जो इकोसिस्टम है, क्रॉस चैन ट्रांसफर असेट बिटवीन मल्टीपल नेटवर्क कैन बी रिलीज्ड थ्रू वॉर्म होल। तो वॉर्म होल ही दिखा देता हूं आपको पहले। जो वॉर्म होल है, वो जो एप्लीकेशन उन्होंने बिल्ड की है, वो बेसिकली ब्रिजिंग करते हैं, ब्रिज है वो, जिसकी वजह से एक्चुअली मैं बता दूं कि ये जो केटोन और रिंग, ये दोनों इथेरियम के टोकन है, जो पोलका डॉट पे डायरेक्ट तो नहीं आ सके, उसके लिए एक ब्रिज की जरूरत होती है। वो ब्रिज इन्होंने रेडी किया है, बहुत पुराना, 2 साल हो चुके हैं ऑलरेडी इनको काम करते हुए। इनका इकोसिस्टम सच में बहुत पुराना है। तो मैं इसमें लॉगिन कर दिया मैंने मेटामास्क, जैसे इनका जो एप्लीकेशन ब्रिज जो स्टार्ट होती है उसके बाद तुरंत ही मेटामास्क ओपन हो जाता है। और हमें अगर मेटामास्क में हमारे पास टोकन है, मतलब रिंग है या केटोन है, तो उसी टाइम ये सामने यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे रिंग है तो यहाँ पे रिंग रख लीजिए और केटोन है, यहाँ पे केटोन लिख दीजिए। मेरे पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन मेरे दूसरे वाले वॉलेट में थोड़ा बहुत है। तो यहाँ पे हमने केटोन कर लिया, यहाँ मैक्स करेंगे तो मैक्स में जितने भी केटोन होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। सबमिट करेंगे तो ट्रांजेक्शन पॉपअप खुल जाएगा, एकदम पॉपअप को कंफर्म करेंगे तो इथेरियम में थोड़ी फीस कटेगी और आपका जो जो केटोन या रिंग है, ठीक है, वो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। ट्रांसफर रिकॉर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं ना कहीं शो होने लग जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे शो होके कंफर्मेशन पे राइट क्लिक का निशान आ जाएगा तो समझ लीजिएगा आपका जो इथेरियम पे जो रिंग या केटोन है वो आ गया है इनकी ऐप पे, जो पोलका डॉट पे बिल्ड हुई है। अब वो कौन सी एप्लीकेशन हुई है वो भी मैं बता देता हूँ, जो स्टेकिंग की एप्लीकेशन है वो दूसरी है, उसके ऊपर भी चलते हैं। तो सेम बैक पेज पे क्लिक किया हमने और एप्लीकेशन पार्टिसिपेटिंग इन ट्रांसफरिंग एंड अर्न
टोकन रिवार्ड बाय स्टेकिंग। ठीक है, अब यहां पे हम क्लिक करते हैं तो इनकी एप्लीकेशन खुल जाएगी। जब इनकी एप्लीकेशन खुल जाएगी तो बेसिकली अभी बताता हूं, इसको खुलने दो पहले। हाँ, तो जब इनकी एप्लीकेशन खुल जाएगी तो आपके पास अगर रिंग या केटोन होंगे तो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, अवेलेबल लिखा हुआ है यहाँ पे, दोनों पे शो हो जाएंगे। और जब शो हो जाएंगे उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ स्टेकिंग पे क्लिक करना है, स्टेकिंग पे क्लिक करना है। और उसके बाद स्टेकिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टॉप नॉमिनेटेड नेटिंग के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और बोन्ड मोर फंड करने क्लिक करेंगे जैसे ही। तो अगर आपके पास रिंग है तो यहाँ पे रिंग पे जितने हैं, जैसे 10 रिंग है तो 10 रिंग लिख दीजिए यहाँ पे। अगर नहीं है तो आपको, अगर केटोन है इसकी वजह से केटोन है तो केटोन लिख दीजिए, या 10-12 जो भी है। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पे ओके पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वैसे ही आपके इनके पास जैसे 10 लिख दिए हमने, अभी है नहीं मेरे पास, फिर भी लिख दिए। चलो रिंग लिखते हैं, ठीक है, ओके जैसे ही करते हैं तो ये पोलका डॉट का जो एक्सटेंशन है वो ओपन हो जाएगी। ओपन होते ही वो कंफर्म करेंगे तो उसके बाद ये आपका जो रिंग टोकन है वो स्टेक हो जाएगा। सेम टू सेम केटून के लिए भी वही प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब इसके बाद ये क्या करना है, इसमें जब आप स्टेक हो जाएगा तो डेली के डेली बेसिस पे, अगर आपके केटोन स्टेक है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तो केटोन की पावर की वजह से डेली के डेली आपको रिंग टोकन मिलना शुरू हो जाएंगे। और जब आपको रिंग टोकन मिलेंगे तो वो उसकी जो, वो जब स्टेक करोगे तो आफ्टर सम टाइम आपको केटोन मिलेंगे। तो ऐसे ही सिलसिला चलता ही रहेगा, केटोन और रिंग, केटोन और रिंग दोनों आपस में एक दूसरे को पावर देके आपको दोनों टोकन यहाँ पे ड्यूल टोकन अर्निंग का इकोसिस्टम यहाँ मिलेगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो पोर्टफोलियो दूसरे टोकन के से ज्यादा यहाँ पे, मतलब एक तरीके से ये आप लगा लो कि यहाँ पे क्रॉस टेकिंग मिलेगी आपस में एक दूसरे की वजह से, तो बहुत अच्छा इकोसिस्टम है। परसेंटेज एपीआई भी तो मुझे पता नहीं है, बट फिर भी इसमें बहुत अच्छा इकोसिस्टम के साथ आपको फायदा हो सकता है। ठीक है, डार्विनी एक पुराना प्रोजेक्ट है, किसी तरह को कोई स्कैम नहीं है, मैं बहुत देखता आ रहा हूं। इवन अगर आप डार्विनियम के इकोसिस्टम में फंस गए हो, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो इनके जो टेलीग्राम में जाके आप इनके जो जो भी हैं इनके एडमिन वगैरह हैं उनसे कुछ हेल्प मांगोगे तो ऑफकोर्स 2 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर वो जवाब भी देते हैं, इरिटेट भी नहीं होते। कई जो एडमिन्स हैं वो इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से आपको टेक्निकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही आपको ये समझ में ना आए, या तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए क्रिप्टोनिक वन को, और क्रिप्टोनिक वन जो एक क्रिप्टोनिक वन है सॉरी तो एक क्रिप्टोनिक वन को यूज करिए, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत पूछिए। अगर हमसे नहीं होता ये तो आप इनकी एप्लीकेशन में भी जाके, सॉरी टेलीग्राम में भी जाके बात कर सकते हो इनसे, ये भी बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इसकी प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं वो सॉल्यूशन हम कर देते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा, जो नए जो लोग आ रहे हैं हमारा चैनल देखते हैं तो हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि हमारा चैनल नए नए प्रोजेक्ट्स, L1 ब्लॉकचेन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होते हैं और नए नए टोकन्स होते हैं जिनका इकोसिस्टम बड़ा अच्छा होता है, तो उनके बारे में हम रिसर्च करते हैं। आज तक हमारे जो भी वीडियोस आए हैं कुछ ना कुछ अच्छी रिसर्च उसमें मिली है, लोगों ने बहुत पसंद की है, जिसकी वजह से लोग इम्प्रेस होते हैं, कमेंट करते हैं। तो जरूर ज्वाइन करिए क्रिप्टोनिक वन, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो भी ज्वाइन करिए, और किसी तरह से अगर हो सके तो ठीक है लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ टेक केयर, बाय बाय।